उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। और आगे देखिए 25 खबर। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रध्वज फहराएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। पद संभालने के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम दिया संदेश। कहा कि देश पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, गांधी की राह पर चलना सबकी जिम्मेदारी। गारंटी अवार्ड 2023 की घोषणा। राष्ट्रपति ने 412 जवानों को गारंटी अवार्ड से किया सम्मानित। 6 सैनिकों को कीर्ति चक्र और 15 सैनिकों को शौर्य चक्र। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कार का ऐलान। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल। गणतंत्र दिवस के लिए एलओसी पर जवान अलर्ट। पुंछ में तैनात जवानों ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। गणतंत्र दिवस पर पंजाब में रेड अलर्ट। राज्य और जिलों के सीमाएं सील, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई पुलिस से गणतंत्र दिवस के लिए बढ़ाई सुरक्षा। मुंबई में ड्रोन हमले का शक, लोगों के लिए एडवाइजरी जारी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद। भारी वाहनों की एंट्री पर रोक। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने जा रहे लोगों के लिए फ्री मेट्रो सेवा। 8 बजे तक का टिकट या इनविटेशन दिखाकर ले सकते हैं फ्री टिकट। गणतंत्र दिवस के लिए देशभर में सजाई गई सरकारी इमारतें। राष्ट्रपति भवन पर की गई खूबसूरत लाइटिंग। इंडिया गेट भी तिरंगे से सराबोर हुआ। गणतंत्र दिवस के लिए देश भर में सजाई गई सरकारी इमारतें। राष्ट्रपति भवन पर की गई खूबसूरत लाइटिंग। इंडिया गेट भी तिरंगे के रंग में रंगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बवाल। पीसी ने कहा कैंपस में शांति बिगाड़ने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। बसंत पंचमी का त्यौहार। आज संगम स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। जोशीमठ पर 8 वैज्ञानिक संस्थानों ने एनडीएमए को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। विश्लेषण के बाद ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। ठंड की वजह से मंदिरों में मूर्तियों को भी पहनाए गए ऊनी कपड़े। कुछ मंदिरों में तो मूर्तियों के सामने रखे गए हीटर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगातार बर्फबारी जारी। बर्फ और बारिश की वजह से लगभग सभी नेशनल हाईवे बंद। पाकिस्तान के दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति। दोनों देशों में ट्रेड के मुद्दे पर हुई चर्चा। जापान में बर्फबारी के चलते एक की मौत। कई हवाई उड़ानें, ट्रेनें रद्द। चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में जबरदस्त ठंड। -49 डिग्री तक गिरा तापमान। साइकिल और रेलवे ट्रैक पर जमी बर्फ। आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर बने सूर्यकुमार यादव। ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज।
ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।